Hey guys, my name is Perigos Wild and आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टील करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी शोरूम से उसकी सारी की सारी गाड़ियां। So basically यार मेरा प्लान ये होने वाला है कि अभी हम लोग बेसिकली चोरी नहीं करेंगे, अभी हम लोग ऐसे नॉर्मल कस्टमर बन के जाएंगे एंड यार शोरूम का पूरा चप्पा चप्पा हम लोग छान मारेंगे एंड फिर वापस रात में आएंगे एंड फिर तब हम लोग स्टील करेंगे। अब चलो यार गाड़ियों की तरफ देखते हैं। Oh my God, यार गाड़ियां तो देखो यार, क्या ही गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है, बड़ी मजेदार यहाँ पे लैम्बोस खड़ी है एंड आई थिंक यार ये मैनेजर साहब है इस शोरूम के। सो चलो इनसे बात करते हैं वरना इनको हम पे शक हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सो हेलो भाई साहब, व्हाट्स अप? अरे यार तुमको यार यहाँ पे अंदर किसने आने दिया? तुमको पता नहीं यहाँ भिखारियों की एंट्री नहीं है, चलो भगे यहाँ से। ओ भाई साहब, हमें पता है हम थोड़े गरीब टाइप के देखते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब हैं। आई एम अ वेरी वेरी रिच पर्सन एंड यहाँ पे एक मैं लैम्बोर्गिनी कार खरीदने आया था लेकिन यहाँ पे जो मेरी बेइज्जती हुई है उसके बाद मैं यहाँ से कोई गाड़ी नहीं ले सकता, सो मैं चलता हूँ भाई साहब। अरे 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 शशि यार, मैं तो मजाक कर रहा था, वापस आ जाइए। क्या बोल रहे हो आप? अरे शशि, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा था, मेरे को तो पता ही था कि आप बहुत राइश आदमी हो, हम तो बस आपके साथ थोड़ा जोकिंग खेल रहे थे। ओके भाई साहब, लेकिन बहुत ही भाईया जोक मारा आपने। एंड हाँ यार, मैं लैम्बो गाड़ी खरीदने आया हूँ, मेरे को दिखाओ तो कौन सी गाड़ियां हैं आपके यहाँ। अरे हाँ शर्जी, दिखाते हैं। देखिए शर्जी, यहाँ पे खड़ी है हमारी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, वो भी बिना छत वाली, ऐसी गाड़ी केवल दुनिया में 25 बनी है, बहुत रेयर गाड़ी है। ओके नाइस भाई साहब, यार दिखने में भी मेरे को बड़ी मस्त लग रही है, बस दिक्कत इसमें ये है कि छत तो नहीं है इस गाड़ी में लेकिन लिटरली विंडशील्ड भी नहीं है और बिना विंडशील्ड के मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो जो गाड़ी चलाते वक्त मेरे मुंह में कीड़े मकोड़े चिपकेंगे उसका क्या होगा। सो यार सर जी, आई लाइक दिस कार बट आई विल नॉट बाय इट। दूसरी गड्डी देखते हैं, ये वाली कौन सी है? अरे सर जी, ये है लैम्बोर्गिनी उरुस, ये एक एसयूवी सुपर कार है। ओहो नाइस यार, ये मेरे को काफी प्रैक्टिकल गाड़ी लग रही है, इस गाड़ी को मैं तेज भी भगा सकता हूँ और माउंट जिलियार की ऊंची ऊंची पहाड़ों में भी कुदा सकता हूँ, दोनों टास्क मेरे हो जाएंगे। लेकिन यार ये भाई सब, ये थोड़ी नॉर्मल वाली लैम्बोस थी यार, वो वाली बताओ यार, वो दोनों लैम्बोस कौन है? मेरे को यार ये वाली लैम्बोस बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, पुलिस वुलिस लिखा है इस पे। अरे सर जी, पुलिस एडिशन कार है, ये हम आपको बेच नहीं सकते, लॉस एंटोस की पुलिस के लिए डिजाइन करी गई है। ओहो ऐसा, आप मुझे ये गाड़ी बेच नहीं सकते? कोई बात नहीं, मैं चोरी तो वैसे भी कर लूंगा। एंड देन दोस्त यार, ये वाली गाड़ी मैंने पहली बार देखी है यार, ऐसी लैम्बोर्गिनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कौन सी है भाई? सर जी, लैम्बोर्गिनी की कंसेप्ट कार है, अभी लॉन्च नहीं हुई पूरी दुनिया में, हमारे पास एक लॉटी है पूरी 200 करोड़ की है। 200 करोड़ की? ओके सर जी ठीक है। एंड हाँ सर जी, मैं ये बोल रहा था यार, हम लोग ने गाड़ी तो देख ली है यार, मैं बोल रहा था मेरे को एक टेस्ट ड्राइव मिल सकती है। अरे हाँ सर जी बिल्कुल मिल जाएगी टेस्ट ड्राइव, बस हम अभी गाड़ी की चाबी लेके आते हैं फिर हम दोनों चलते हैं टेस्ट ड्राइव लेने, ठीक है? हाँ ठीक है, तो मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ, आप जाओ जल्दी से गाड़ी की चाबी लेके आओ। हाँ सर जी, बस यहीं पे खड़े रहना, बस 2 मिनट में आते हैं। ओके तो गाइस यार, वो मैनेजर तो चला गया यार गाड़ियों की चाबी लेने। एंड ऐसा करते हैं दोस्तों, हम लोग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चलते हैं एंड बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि आखिर गाड़ियों की चाबी ये रखता कहाँ पे है। तो हम लोग जब रात को वापस चोरी करने आएंगे तो हम लोग सीधा वहीं पे चले जाएंगे एंड गाड़ियों की चाबी उड़ा लेंगे। तो उसने बोला था यार ऑफिस जाएगा, लेकिन यार इस वाले ऑफिस में तो ये बंदा नहीं है, आई थिंक यार ऊपर वाले ऑफिस में तो नहीं है, ऊपर भी यहाँ पे सीढ़ियां जा रही हैं। तो दोस्तों चलो यार जल्दी से ऊपर चलती हैं, देखते हैं हमारे मैनेजर जी किधर पे हैं एंड कि हम लोग आ गए ऊपर। ले 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 ले, यार यहाँ पे भी यार मैनेजर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके दोस्तों, वहाँ पे देखो यार, वहाँ पे आई गेस वही मैनेजर जी है ना, एंड यार ये नीचे झुक के क्या कर रहे हैं। ओके दोस्तों मेरे को समझ में आ गया, वहाँ पे एक सेफ रखी है एंड आई थिंक ये सेफ को खोल के वो चाबी निकाल रहे हैं। एंड ओके सो बॉयज, यार लैम्बोर्गिनी गाड़ियों की चाबी बेसिकली इसी सेफ के अंदर होती है, अब मेरे को चलो एटलीस्ट ये पता चल गया। तो यार चलो वापस हम लोग नीचे चलते हैं, मैनेजर जी का वही इंतजार करते हैं वरना मैनेजर जी को हम पे शक हो जाएगा। सो चलो दोस्तों यहीं पे हम लोग आराम से खड़े हो जाते हैं एंड वेट करते हैं। ये लो सर जी, गाड़ी चाबी ले आए, चलो टेस्ट ड्राइव करते हैं। यार मैनेजर जी, यार आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, अब मेरे को बिजनेस मीटिंग के लिए बार बार कॉल्स आ रहे हैं तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ यार, कल मैं वापस आता हूँ एंड कल मैं टेस्ट ड्राइव ले लूंगा, ठीक है? अरे चलो ठीक है सर जी। यस मैनेजर जी। एंड ओके दोस्तों, हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है शोरूम की एंड अब हम लोग ऐसा करते हैं गाइस, हम लोग यहाँ से जंप लगाते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे छुप जाते हैं एंड बस यार यहीं पे रात के 12 बजने तक खड़े रहते हैं हम लोग। एंड बाय द वे गाइस, रात होने से पहले दोस्तों अगर अभी तुम लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दो यार, इस टाइप की मस्त वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं एंड आल्सो इस वीडियो को लाइक करना एंड यार अब चलो रात तक खड़े रहते हैं। 6.5 hours later ओके तो गाइस यार रात हो चुकी है एंड अब चलो यार अब हम लोग अपना कारनामा शुरू करते हैं। सो यार लेट्स गो। ओ माय गॉड यार, यहां पे पेनीवाइज क्या कर रहा है? बचाओ गाइस, तुम लोग भी खा गए ना धोखा, तुम लोग को भी लगा ना ये एक असली पेनीवाइज है, लेकिन नहीं दोस्तों ये पेनीवाइज नहीं बल्कि केवल एक कॉस्ट्यूम है जो कि यार मैं फैंसी ड्रेस वाली दुकान से ले आया था। एक्चुअल में यार रात में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना शोरूम में तो उसे डराने के बहुत काम आएगा। सो यार जल्दी से चलो मैं ऐसे पहन लेता हूँ। एंड ओके तो दोस्तों सूट पहन लिया हमने एंड क्या ही मस्त फिटिंग आई है। एंड ओके दोस्तों यहाँ से चलो जंप लगा के चलते हैं। एंड ओके देखो वहाँ पे देखो वो हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड, हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे छुप जाते हैं एंड अब इसके हम लोग धीरे धीरे पास जाते हैं एंड अब एक्टिंग शुरू करते हैं। बुढ़ाओ आ
आज लगता है तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है बुढ़ाओ। अरे भैया भूत आ गया, भूत बचा लो रे बाबा हमको, भैया बचा। एंड ओके तो गाइस यार ये बुढ़ाऊ तो बेहोशी हो गया। मेरे को लगा था यार ये मेरे को देख के भागेगा, लेकिन ये बेवकूफ कहीं का बेहोशी हो गया यहाँ पे। खैर हमको क्या करना, बेहोश हुए चाहे भागे यहाँ से, जल्दी से हम लोग ऐसा करते हैं इसकी जेब से यहाँ शोरूम की चाबी निकालते हैं, बहुत बढ़िया। एंड अब चाबी लगा के इस दरवाजे को खोल के अंदर चलती है, लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों शोरूम के अंदर। एंड ओ माय गॉड गाड़ियां देखो यार, सारी गाड़ियां यहीं पे खड़ी हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है अभी तो ये सब गाड़ियां लॉक्ड होंगी, यस लॉक्ड है सारी गाड़ियां। तो चलो सबसे पहले जल्दी से हम लोग वापस से ऑफिस में चलते हैं एंड वही वाली सेफ के पास चलते हैं एंड उस सेफ को किसी तरह खोलते हैं, सारी चाबी निकालते हैं, फिर इस गाड़ियों को भगा के ले जाते हैं दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों हम लोग आ गए ऑफिस में एंड ये देखो यार ये रही वही सेफ। एंड अब यार सेफ को खोलना थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, अपन हर चीज लेके चलता है। सो यस मैं ग्रेनेड लॉन्चर लाया था एंड अब चलो यार इस ग्रेनेड लॉन्चर को इस पे मारते हैं एंड इस पूरी सेफ को तोड़ डालते हैं। सो 3 2 1 लेट्स गो। एंड ओके थोड़ा दूर होते हैं, ओ माय गॉड चलो बढ़िया धमाके हो रहे हैं। ऐसा करते हैं हम लोग 3-4 ऐसे ग्रेनेड फोड़ देते हैं, इतने में आई थिंक सेफ टूट जाएगी। ओके सो गाइस यार आई थिंक ये सेफ टूट चुकी है एंड यस यार आई थिंक ये टूट गई। एंड ओ माय गॉड ये देखो यार यहां पे एग्जैक्ट 4 गाड़ियों की चाबी पड़ी है। सो आई थिंक यही सारी की सारी चारों लैम्बोस की चाबियां हैं, जल्दी से हम लोग इन्हें उठा लेती है एंड अब जल्दी से यहां से निकलते हैं। हम लोग ने गाड़ियों की चाबी उठा ली दोस्तों। एंड ओके दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं सबसे पहले यार ये पुलिस सुपर कार लेके चलते हैं, यार मेरे को ये बड़ी मस्त लग रही है पुलिस वाली गाड़ी, जल्दी से इसे भगा के ले चलते हैं। चाबी लगाई अंदर बैठे, चाबी से गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, बहुत बढ़िया। एंड अब खुल जा सिम सेम एंड लेट्स गो, चला जाए दोस्तों। एंड दोस्तों अरे कितना भी तेज नहीं चलना भी, फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो, दीवार फांद के आ गए यार, दीवार के आर पार आ गया। थोड़ा गाइस हम लोग आराम से ही चलते हैं। एंड दोस्तों यस हम लोग ने आई थिंक ये वाली गाड़ी सक्सेसफुली सील कर लिया है। एंड अब ऐसा करते हैं दोस्तों मैं जल्दी से ये वाली गाड़ी खड़ी करके आता हूं अपने घर में, फिर हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। ओके तो गाइस हम लोग वापस से शुरू में आ चुके हैं एंड ये बड़ा अंकल अभी बेहोश पड़े हैं, लगता है कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। चलो सही है बड़ा अंकल ऐसे ही बेहोश रहना, ऐसा करता हूं उनको लात और मार देता हूं ताकि आप अच्छे से बेहोश हो जाओ एकदम बढ़िया तरीके से। अरे मम्मी और मत मारो प्लीज, हम होमवर्क कर लेंगे शाम तक पक्का। यार ये बेहोशी की हालत में कैसे सपने देख रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। यार चलो दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट गाड़ी लेते हैं एंड इस बार हम लोग लेते हैं यार ये वाली, जितनी अच्छी वाली है पहले हम लोग लेंगे तो ये वाली लेते हैं। यार ये वाली पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ऐसी लैम्बोर्गिनी मैंने लिटरली जीवन में पहली बार देखी है, बोल तो रहा था यार ये एक कॉन्सेप्ट कार है एंड यार लग भी रही है एकदम कॉन्सेप्ट। यार इसकी लाइट्स देखो कैसी है, इतनी पतली पतली टेल लाइट्स हैं। खैर दोस्तों चलो यार इसको जल्दी से हम लोग ले चलते हैं ये। अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग आराम से ही चलेंगे, पिछली बार ज्यादा ही हम लोग तेज चल गए थे तो उड़ी गए थे, तो हम लोग इस बार थोड़ा आराम से चलेंगे लेकिन अब अच्छे से चलेंगे। 3 2 1 लेट्स गो, हट जाओ सब लोग, अबे हटना हटना हटना, अरे यार मारना था इसे। तुझे क्या लग रहा है बेचे, तू बच गया? नहीं लॉन्चिन नहीं, मेरे चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ये ले। ऑलराइट फालतू में लोगों को परेशान करते हुए हम लोग ने ये गाड़ी सील कर ली, अब चलो यार हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। ऑलराइट तो गाइस हम लोग वापस शोरूम में आ चुके हैं। ओ माय गॉड ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, ये बुढ़ा अंकल खड़े कैसे हो गए यहाँ पे, मैंने इनको इतना पेला था, इनको इतना डराया था फिर भी खड़े हो गए। खैर कोई ना, इनके ऐसी तैसी फिट रहा था, दिक्कत वाली बात क्या है। बुढ़ाऊ तेरी पैंट बचाने में आ गया हूँ, अरे हम तुमसे अब नहीं डरेंगे, हमको पता चल गया तुम केवल हमारे मन का वहम हो, तुम असली में इस दुनिया में ही नहीं हो। यार गाइस जैसे लग रहा है कि हम लोग इसके मन का वहम है, बेवकूफ आदमी कोई बात नहीं, तुम डरोगे नहीं ना, तो कोई बात नहीं पिट तो जाओगे, ये ले। अरे भैया पेल दिया, ये ले साड़े मार डाला है, नहीं तो बोलता है मन का वहम हुआ है। खैर दोस्तों तीसरी गाड़ी स्टील करने का टाइम आ चुका है एंड इस बार चलो हम लोग लैम्बोर्गिनी उरुस स्टील करते हैं एंड यार जल्दी से चाबी लगाती है एंड इसे भगाती है। चलो यार ये वाली गाड़ी भी स्टील कर ली एंड अब दोस्तों बारी आ चुकी है अपनी लास्ट गाड़ी स्टील करने की, लेट्स गो। ओके तो गाइस हम लोग वापस शोरूम में आ चुके हैं चौथी बार एंड यार गाड़ी को चोरी करके घर तक पहुंचाने में यार काफी ज्यादा टाइम लग गया, तो अब सुबह होने लगी है, सुबह के 5 बज गए, तो जल्दी जल्दी अब हम लोग जो भी करना है करना पड़ेगा वरना यार शोरूम के एम्प्लॉइज आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। एंड ओ माय गॉड यार शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। यार ये मैनेजर तो शोरूम में आ भी गए यार एंड यार उसने यार बेहोश बुढ़ाऊ अंकल को भी देख लिया, शिट। लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोस्तों यार वहां पे देखो गैराज भी खुला हुआ है, तो हम लोग मेन गेट से नहीं जा पाएंगे तो हम लोग गैराज से निकल लेते हैं। लास्ट वाली गाड़ी स्टील करते टाइम आई थिंक यार ये गैराज खुला ही रह गया था, तो चलो यार इसका फायदा उठाते हैं एंड यार चलो धीरे धीरे एकदम आराम से चलते हैं, बस ये हम लोग को मुड़ के दिख ना पाए। अरे यार राजू यार तुमसे कितनी बार बोला है ड्यूटी के टाइम दारू पी के मत सोया करो, है नहीं तो। गाइस यार बेवकूफ मैनेजर को लग रहा है कि वो सिक्योरिटी गार्ड दारू पी के सो गया है। खैर सही है चलो दोस्तों इसे यही लगने देते हैं एंड जल्दी से यार इस वाली गाड़ी में बैठते हैं, जल्दी जल्दी बैठो बेटे, जल्दी जल्दी बैठो एंड गाड़ी उड़ा के अब निकल जाओ। एंड 3 2 1 लेट्स गो। अरे भैया पेल दिया। अरे देखो राजू यार डोरेमोन हमारी गाड़ी चला रहा है। अबे बेवकूफ आदमी मैं तुम्हें डोरेमोन कहां से लग रहा हूँ।
एंड मैं ये कहां गया, व्हाट द हेल ये हो क्या रहा है, हम लोग यार जमीन के अंदर कैसे आ गए यार, ये चल क्या रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। खैर कोई ना, मॉड्स की ताकत से हम लोग यहां से निकल लेते हैं एंड इस शोरूम से बहुत दूर हम लोग निकल लेते हैं क्योंकि यार इस शोरूम में लगता है एक्चुअल में भूतों का साया है। हम लोग यार लिटरली जमीन को फाड़ के जमीन के नीचे चले गए। एंड यार दोस्तों हम लोग ने अपनी लास्ट सुपर कार भी स्टील कर लिया, आई होप तुम सबको मजा आया हो इसमें। एंड यार चलता हूं मैं, सो गुड बाय।